वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज है 31st of May एंड 1 June को है मेरे पापा का बर्थडे। सो आज रात को 12 बजे मैं करने वाली हूँ बर्थडे ब्रिंगिंग। सो अभी मैं यहाँ पे गिफ्ट रैप कर रही थी, लेट मी जस्ट शो यू। अमेजोन से ऑर्डर किया था वो, सो गिफ्ट के अंदर क्या है ये आपको आगे के ब्लॉग में पता चल जाएगा। प्लस ये जो गिफ्ट है ये मेरे भाई की तरफ से है एंड ये गिफ्ट मेरे पापा को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। एक्चुअली हम भी वेट कर रहे हैं कि इसको ओपन करके पापा क्या रिएक्शन होगा, क्योंकि ये जो गिफ्ट है एनी हाउ शायद पापा को हिंट होगा, बॉक्स देख के शायद समझ जाएंगे, बट इसके बारे में तो शायद पापा को हिंट नहीं है। और मेरी हालत बहुत अजीब से लग रही है क्योंकि मेरा तबीयत ठीक नहीं है एंड ऊपर से पीरियड्स भी आ चुका है तो पेट में दर्द भी हो रहा है। वो तो ठीक ही है बट कैसे जैसे मुझे ये चीज़ करनी ही थी। तो अभी 11 बज रहे हैं और यहाँ पे ये वाले वॉल को थोड़ा सा डेकोरेट करूँगी मैं, ऐसा मैं सोच रही हूँ। एंड मेरी ही रूम में सारा सेटअप करूँगी एंड 12 बजे पापा को इस रूम में बुलाऊँगी एंड पूरी कोशिश करूँगी कि केक कटिंग से लेकर सब कुछ जो होगा मैं प्रॉपर तरीके से वीडियो शूट कर पाऊँ। और मैंने केक भी ऑर्डर कर दिया है तो बहुत जल्दी वो केक भी आने वाला है। सो यस, अभी मैं खाना खाऊँगी एंड खाना खाने के बाद जो भी डेकोरेशन का काम है थोड़ा बहुत वो कम्प्लीट करूँगी। पर्टिकुलर ब्लॉग को मैं कल तक कंटिन्यू करूँगी और कोशिश करूँगी कल जो भी सेलिब्रेशन होने वाला है वो भी मैं इस ब्लॉग में जो उसकी क्लिप होगी जितना मैं रिकॉर्ड कर पाऊँगी वो सारी चीज़ें मैं ऐड ऑन करूँ। मैंने किया है बहुत ही थोड़ा सा डेकोरेशन, बहुत मिनिमल रखना था मुझको इसलिए मैंने इस तरीके का डेकोरेशन किया है। एंड जो गिफ्ट है उसको स्टार्टिंग में बैठ के नीचे छुपा के रखा है, बाद में पापा को देंगे। एंड ये है फरेरो रोचर केक जो मैंने ऑर्डर किया था पापा के लिए एंड जब पार्सल रिसीव हुआ ओपन करने के बाद केक जो है थोड़ा सा फैल गया था, प्रॉपर कंडीशन में नहीं था। सो कैसे तैसे इसको हमने सेट किया है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू पापा, हैप्पी बर्थडे टू यू। मम्मी भी पापा बोल रही है। पप्पी दे, टॉमी हैप्पी बर्थडे। अरे टॉमू, मीनवाइल चार्ली सेलो टेप चबाने में बिजी हो गया है। चार्ली नहीं, ये वाला जो गिफ्ट है मेरे साइड से, गिफ्ट का साइज देखो आप, ये इसका डेकोर मतलब ये जो रैपिंग है ना मेरे से नहीं हो रहा था, अब भी कैसे तैसे मैंने किया है। अब इसको खोलो, कॉफी मशीन देखने देती ना। तो देख गया ना उनको यार, पूछ रहे नहीं समझ में आ रहा है क्या अनुराग, देखने देती जैसे अभी मैं और अड्डू कहीं भी झगड़ सकते हैं। इसको मैंने मतलब पूरा खोला नहीं, मैं आप ही खोलो इसको एक एक चीज। पहले ये भी है जो देखो गिर गया वहां पे, ये तो मम्मी हमारी आती को करना पड़ेगा दीदी। हाँ अनु डब्बा निकालो ना, कहा हम लोग ऐसा सोचते थे ना ये लेंगे, हम लोग बनाते थे और छोड़ देते, लेकिन मैंने क्या बोला था मैं ही आपको गिफ्ट करूंगी। ओहो क्या पर सही है जबरदस्त है ना पापा मम्मी। हाँ पापा को फ्रेंच फ्राइज बहुत पसंद है तो रात के 12:30 बजे मैंने पापा के लिए फ्रेंच फ्राइज और स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक ऑर्डर किया था। हेलो गाइस, सो आज है 1st of June एंड अभी बज रहा है 6:30। सो मैंने कल रात के बाद से कुछ भी व्लॉग शूट नहीं किया और फिर सुबह मैं मम्मी और सब लोग काम में लग गए थे और अभी थोड़ी देर में मैं
रेडी होना स्टार्ट हो जाऊंगी शाम के पार्टी के लिए. सो गेट रेडी विथ मी जो होगा मैं शूट करूंगी, बट वो लॉन्ग वीडियो नहीं आएगा, वो यूट्यूब शॉर्ट्स पे आएगा. एंड शायद वो मैं कल ही अपलोड कर दूंगी, यानी कि 2 जून को शायद मैं उसको अपलोड कर दूंगी. तो शायद शॉर्ट्स पहले आ जाएगा एंड ये व्लॉग बाद में आएगा. आउटफिट के साथ मैं सोच रही हूँ कुछ ट्रांजिशन वीडियो भी शूट करूँ, ऐसा मन कर रहा है शूट करने का. सो लेट्स सी होता है कि नहीं. तो जो भी होगा वो इंस्टाग्राम और यूट्यूब शॉर्ट्स पे सारी चीज़ें अपलोड हो जाएगी. और अगर अभी तक आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आईडी यहाँ पे मेंशन है, आप प्लीज़ फॉलो कर लो मुझे इंस्टाग्राम पे. एंड यहाँ पे टॉमी भैया सो रहे हैं, यहाँ पे चार्ली भैया सो रहे हैं. सो यस 8 बज रहा है और मैं हो चुकी हूँ रेडी. माते आ जाओ मेरे ब्लॉग में. और माते भी रेडी हो चुकी हैं, पिताजी भी रेडी हो चुके हैं, भाई अभी रेडी नहीं हुआ है. एंड भाई इस कैमरा कॉन्शियस, तो उसको धोखे से कैमरा में लेना बहुत ज़्यादा सही रहेगा. हाँ यूट्यूबर की मम्मी आ गई, मम्मी भी हो चुकी है रेडी. अब यहाँ से हम वेट कर रहे हैं कि मेहमान कब आएंगे. और सीन ऐसा है कि ऐसा बहुत बार हुआ है मम्मी कि हम लोग का अरे हम लोग जल्दी रेडी हो जाएंगे, जल्दी रेडी हो जाएंगे. और ऐसा होता है कि एक एक करके मेहमान आते हैं और हम दोनों यहीं पे बंद होकर रेडी होते रहते हैं, कुछ ना कुछ ये सीन रहता है. आज हम लोग जल्दी रेडी हो गए तो कोई आने को तैयार नहीं है, अभी तक कोई नहीं है. तो लेट्स सी, रेजर रखा ना वहाँ पे व्हाइट कलर का, उससे ट्रिम करो. यहाँ पे ग्रीन कलर का खड़ा फैन जैसा ब्रश दिख रहा है, उसके बाजू में देखो अब व्हाइट कलर का दिख रहा होगा रेजर. अरे अरे उसे तेरा फिंगर, हाँ ये भी चलेगा, हाँ ये भी सही है. और ये बहुत हल्के हाथ से करना, ये क्या? हाँ दोनों सही है लेकिन हल्के हाथ से करना. दाएं वैसे बस कर दूं? हाँ डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में स्किन को थोड़ा खींचो कि मैं कर दूं. हाँ सो अभी हम जब वेट कर रहे हैं तो अभी कोई नहीं आया. सो यस लेट्स सी. तुम तो एकदम पटाखा लग रही हो मम्मी, नितिन भैया वो लेकर आए थे और ये बुआ लेकर आई थी ऑन 31st ऑफ मई. काट दो. हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पापा. यार क्यों कर रहे हो? तुम्हें ब्लॉग भी बना रही हो ना, उसमें आएगा ना, है कि नहीं? चार्ली और टॉमी हेलो गाइस. सो आज है 2nd of June एंड कल का भी बर्थडे सेलिब्रेशन बहुत अच्छे से हो गया था. तो ज्यादा कुछ मैंने शूट नहीं किया, बट केक कटिंग ये सब मैंने शूट करके रखा है. तो जितना जितना मुझे मौका मिला था उतना मैं शूट करते गई एंड बाकी फिर जो वो मूवमेंट चल रहा था मैं उसी को एंजॉय कर रही थी. सो मैं सोच रही हूँ कि अभी इस व्लॉग को मैं एडिट करके 2nd June यानी कि आज ही अपलोड कर दूं. और उसके पहले मैं जा रही हूँ अपने लिए कोल्ड कॉफी बनाने. सो मैंने YouTube शॉर्ट्स पे एक रेसिपी देखी कोल्ड कॉफी की और मुझे बहुत टेम्पटिंग लगी, तो मैंने सोचा मुझे ट्राई करना चाहिए एंड आप लोग के साथ भी उसको शेयर करना चाहिए. एंड मे बी आप उस तरीके से कॉफी बनाते भी होंगे, बट ये इस तरीके से मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करने जा रही हूँ. सो यस, और जो मैंने कॉफी मेकर पापा को गिफ्ट किया है उसमें अब तक मैंने कॉफी बनाई नहीं है, शायद आज या कल उसमें कॉफी बनाने वाले हैं. सो पॉसिबल हुआ तो मैं वो भी रिकॉर्ड करूंगी एंड जब भी कोई नेक्स्ट ब्लॉग शुरू करूंगी तो उसमें उस क्लिप को मैं ऐड ऑन कर दूंगी. सो सबसे पहले मैं ऐड कर रही हूँ अपनी कॉफी एंड मैंने ये वाली कॉफी यूज की है.
एंड अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ शुगर, थोड़ा सा हॉट वाटर, को क्लोज करना है एंड करना है शेक। चॉकलेट सिरप, सो दिस इज कम्प्लीटली ऑप्शनल। घी, आइस, लास्टली मैंने इसमें ऐड कर दिया था ठंडा दूध। सो कोल्ड कॉफी हो चुकी है रेडी एंड टेस्ट करके देखते हैं कि कैसा लग रहा है। बहुत सही लग रहा है, मतलब जैसा मुझे कॉफी पसंद है, जैसे मैंने कोल्ड कॉफी पी है बाहर, तो ये बिल्कुल वैसे ही लग रहा है, मजा आ गया। सो यस, अब मैं ये कोल्ड कॉफी इंजॉय करती हूँ एंड इस व्लॉग को भी यहाँ पे एंड करती हूँ। सो यस, अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। इंस्टाग्राम में फॉलो कर देना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो यस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।